आज वार्ड नंबर 16 का ये जनसंवाद का कार्यक्रम था और कुल मिलाकर के जैसे लगातार मैं वार्डों में पंचायतों में जनसंवाद के कार्यक्रम कर रहा हूँ। सामान्यतः तो हर जगह वही है, अपनी सरकार की बातें वो भी लोग गिनवाते हैं कि क्या क्या पिछले 8-8.5 साल में हुआ, हमको जो कहना होता हम कहते हैं, फिर उनकी जो समस्याएँ हैं दोनों प्रकार की होती हैं, वार्ड की सामूहिक समस्याएँ भी होती हैं, व्यक्तिगत रूप से भी, किसी का राशन कार्ड का विषय है तो किसी का पेंशन का विषय है, वो सब हाथों हम हल करते हैं। हमारा पूरा डिपार्टमेंट यहाँ के बैठता है, परिवार पहचान पत्र वाला, बहुत सी समस्याएं सामान्यतः जो भी फैमिली आईडी से जुड़ी हैं वो ही हल करते हैं। और जहाँ तक प्रॉपर्टी आईडी का विषय है, आपको जैसे पता है कि 2 दिन पूरे हरियाणा में हमने कैंप्स लगाए हैं, यहाँ भी 1988 कंप्लेंट्स आई हैं और मोर देन 50% हाथ-पाथ कल और परसों में हल हुई हैं। बाकियों के लिए 5 दिन का समय मांगा उन्होंने, 5 दिन यानी 16 तारीख तक सब समस्याएं हल करके, और जिसमें कहीं कोई टेक्निकल दिक्कत होगी, क्योंकि करनाल में एक समस्या आ रही है कि ज़्यादातर कॉलोनियाँ शामलात की जगह पर बनी हुई है, करनाल शहर आधे से ज़्यादा शामलात पर है। अभी एक टेक्निकल विषय है, हमको रेवेन्यू के साथ बैठ करके उसका हल निकालना पड़ेगा कि पुराना समय आज से 50-60-70 साल पहले की कॉलोनियाँ हैं शामलात जमीन पर, उनको बैठने का जो उस समय अवसर दिया गया होगा, कुछ ना कुछ कागज़ मिलेंगे, उसका हम समाधान निकालेंगे ताकि ये शामलात ज़मीनों का मालिकाना हक करनाल वासियों को मिल सके, और वो मिल जाएगा तो फिर कॉलोनी अप्रूव भी हो जाएगी, वहाँ विकास के काम भी होंगे, कठिनाई नहीं आएगी। तो ये सारा कुछ हुआ है। मनोज मुंशी ने आपसे मुलाकात की, किस विषय को लेकर मुलाकात हुई थी? राइटर आए थे आदि पुरुष फिल्म, उन्होंने अपना एक छोटा सा एक ट्रेलर उन्होंने मुझे दिखाया है, बहुत अच्छा है, और एक प्रकार का रामायण के सीरियल को आधार मान करके उन्होंने फिल्म बनाई है। मुझे जितना देखा है उसमें अच्छा लगा है, उनकी भी कुछ हमारे से सहायता की उन्होंने उम्मीद की है, जाके विचार करके और डिपार्टमेंट से बात करके 16 तारीख को शायद वो रिलीज होने जा रही है, 16 तक रिलीज होने तक विचार करके उसमें बताएंगे। करनाल के 2 SHO आपके द्वारा एक ट्रांसफर किया गया, क्या सस्पेंड है, सुनने जा रहे हैं व्यवहार की देखते हैं। मुझे सुनने को मिली कल जो है उस समय तुरंत हमने DGP को कह करके और 1 SHO को सस्पेंड किया है, 1 SHO और 1 इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर उसका ट्रांसफर कर दिया है, क्योंकि किसी की भी कार्रवाई जनता के विरोध में, जनता हित में अगर नहीं होगी, जनता के विरोध में होगी तो उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तो एक मैसेज भी जाता है। और हमारे जो कर्मचारी अधिकारी वो केवल अधिकार पूर्वक कोई बात करेंगे ऐसा नहीं है, जन सेवक के नाते अगर बात करते हैं तो जन सेवा ही उनका प्राथमिक एक उद्देश्य है, वो सब करेंगे। एक आज के समय पर मैं आपसे आपके माध्यम से जानकारी और देना चाहता हूँ, उसकी घोषणा करना चाहता हूँ कि हरियाणा में हमारे जितने भी ये जो अवार्डी हैं, पद्मश्री अवार्डीज और इनसे ऊपर के जो पद्मश्री, पद्म विभूषण आदि जो भी है, उन सब का संख्या कोई बहुत ज़्यादा तो नहीं होगी, 8-10 संख्या ही होगी, लेकिन इन सब का हमने 10,000 रुपया मासिक, जैसे बाकी लोगों को पेंशन देते हैं, इनको भी 10,000 रुपया पेंशन देंगे। और यदि वो बस में ट्रेवल करना चाहेंगे तो वॉल्वो की उनकी बस की भी यात्रा, ये भी मैं आज घोषणा करता हूँ। दोनों चीज़ें पद्मश्री, पद्म विभूषण, हाँ उसी श्रेणी में और भी जो लोग होंगे पद्मश्रेणी, पद्म विभूषण के नाते आगे भी और भी होंगे, उन सबको 10,000 रुपया महीने का। 14 तारीख को बंद की बात की है, हरियाणा बंद की, जो पहलवानों के मुद्दे को, इस विषय पर मैं कई बार कह चुका हूँ कि कुछ लोग जो है एक राजनीतिक तौर पर विषयों को उठाते रहते हैं, कहीं भी कोई इस प्रकार का विषय है तो केंद्र सरकार के लोग उनसे बातचीत करके रास्ता निकालने में लगे हैं, और उसके बाद भी अगर कोई लोकतंत्र है कोई कॉल देते हैं तो लोगों की मर्जी है कि उनका साथ देते नहीं देते हैं, लेकिन अगर बंद किया है तो पहले बातचीत के रास्ते खोले, बातचीत करनी चाहिए, नहीं सिरे चढ़ता फिर जैसा महापंचायत हो रही है सर, कोई नहीं, महापंचायत का तो मुझे पता है, कल मैं बता चुका हूँ उसके बारे में।